हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। तो दोस्तों साथियों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में जो UTB की जो वैकेंसी निकाली है उसके अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज है वो क्या क्या चाहिए आपको। तो जैसे मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा था तो उसमें काफ़ी सारे साथियों कमेंट आए कि किस प्रकार इसके आवेदन करने हैं या कहाँ पे जिस ज़िले का है उस ज़िले में करना है या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन है इसका कर सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं दस्तावेज़ों के बारे में। तो दोस्तों दस्तावेज़ों के बारे में बात करें तो आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जो आप यदि आप वेटनरी की HDP में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट है तो ही आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट है वो आपको चाहिए। 10th की मार्कशीट है वो आपको जन्मदिनांक है उसका सत्यापन के लिए चाहिए और 12th मार्कशीट है वो आपके परसेंटेज के लिए चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र है वो चाहिए आपको। जाति प्रमाण पत्र के साथ में आपको विवाहित प्रमाण पत्र और संतान संबंधी प्रमाण पत्र है वो चाहिए। यदि आपका विवाह हो चुका है तो उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और विवाह के बाद में आपके जो उसमें फिक्स डेट दे रखी है उसके बाद में आपकी कितनी संतान हुई है तो वो भी आपको उसमें लिखना होगा। और मूल चरित्र प्रमाण पत्र, और जिनका विवाह नहीं हो रखा है उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मूल चरित्र प्रमाण पत्र है, मूल निवास है वो आपके पास होना चाहिए। और शपथ पत्र है वो आपको फॉर्म के साथ ही आपको मिल जाएगा। उस PDF में आप मूल वो फॉर्म के साथ शपथ प्रमाण पत्र है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये देखिएगा आपका शपथ पत्र है वो इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे ये मैं आपके सामने किसी का है वो आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का शपथ पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। 100 रुपये का स्टाम्प है वो आपके पास होना चाहिए। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी किस प्रकार से होगी। जैसे आपकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी होगी आपके 12th के परसेंटेज और AHDP के परसेंटेज, AHDP के टोटल परसेंटेज और 12th के परसेंटेजों को मिला के उसकी एक मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और उसके आधार पर वो आपका चयन किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।